एक विकट परिस्थिति में भी जो लोगों का जीने का जो तौर तरीका था, खुशी की जो सुगबुगाहट थी, वो सब कुछ कोरोना ने लगभग ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों के बीच में जो मानवीयता थी वो कहीं उभर के सामने आई। लोगों ने एक दूसरे का ढाढ़स बनाया और जो भी लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की उससे मानवीयता उभर के सामने आई है। लोगों ने उस टाइम बहुत उचित दूरियां बना ली थी, कई जगह गलियों में नहीं घुसने दे रहे थे स्वास्थ्य कर्मियों को, तो थोड़ी ये परेशानी आई थी। लोगों को रोजगार वगैरह छिन गए, ये सारी चीज़ें, इनसे परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बट अनुशासन एक सबसे अच्छी चीज़ की जो लोगों ने सीखा, वो सबसे अच्छी चीज़ थी और हम इस चीज़ से निकल पाए। जिनके बच्चे हैं छोटे, जैसे हम जैसे लोगों को, उनको कोरोना के दौरान, ड्यूटी के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, फिर भी कुल मिलाकर दूसरी लहर से निकलने में बहुत ज़्यादा हमने वो किया है, योगदान किया है। रिटायर गृह घर को यही कहता, भाई घर बैठे सामान मिल जाता है, आप यहाँ कहाँ क्यों आने लगे, उसी रेट पर घर मिल जाता सामान और आप भी वही रेट देते हो तो कोई फ़र्क नहीं, तो इससे बदलाव आ गया व्यापार में, इससे दुकानें कम चलने लगी, पहले से आधा धंधा रह गया। भाई लॉकडाउन से बहुत समस्या हो गई तो जीवन में सबके, सबको खाने पीने की समस्या हो गई और सारा काम ऑनलाइन चले गया, दुकानदारों को बहुत समस्या हो गई, बिजनेस खत्म से हो गया, मतलब नया के बराबर हो गया बिजनेस। भविष्य में अब लॉकडाउन की स्थिति नहीं होनी चाहिए, हम यही चाहते हैं, क्योंकि मैं ही नहीं, ये सभी लोग चाहते हैं कि भविष्य में अब कभी लॉकडाउन ना लगे, क्योंकि और ठीक है अगर ये आता भी है तो अब हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, ताकि हम अपने आप को सेफ करते हुए और इसके साथ जिए। तो मनोचिकित्सक के यहाँ भीड़ और बढ़ती जा रही है, इसका कारण लॉकडाउन होना और कुछ जैसे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके परिवार में कई ऐसे हालात हैं कि जिनको खाने की मतलब हालतें नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ सुविधाएं दी है लेकिन वो नाकाफी रही है। नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की। और खबर यह है कि याद होगा मैं वो काले दिन, काला अध्याय याद नहीं दिलाना चाहता हूं लेकिन उससे बहुत कुछ सीखा भी गया है। हम बात कर रहे हैं 24 मार्च 2020 की, जिस दिन देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा था। उसको देखते ही या सुनते ही एक बार तो मुझे लगता है कि हम लोगों का एहसास होता होगा कि क्या चर्चा लेके बैठ के, लेकिन नहीं, हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाती भी है, हमें बहुत सारी चीजें। उस वक्त एक कहे कि एक काला अध्याय उसका रहा, लेकिन उसके उजला पक्ष भी बहुत सारे लोगों ने अपने स्तर पर उसे इजहद किया। हुआ ये कि लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारे लोग काफी दिनों तक एक तरह से कहें कि कैद रहे, एक खौफ भी था कि कोरोना आ रहा है, पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि हमने दुनिया की रिपोर्ट देखी थी, हिंदुस्तान में जब दस्तक दे रहा था वो, उससे पहले कुछ रिपोर्ट्स भी देखी, क्या बया हुआ हालात बने हुए थे। उसी डर के चलते हमें एक अलग तरह का डर था, हर कोई चाह रहा था कि कैसे भी हो हमें हमारे घर तक पहुंचना है। लोगों ने पैदल सैकड़ों मील सड़कें नाप डाली, पांव में छाले पड़ गए, लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कोई हिम्मत नहीं आ रहा। सरकारें जैसे भी अपने स्तर पर कर सकती थी, राजनीति भी काफी कुछ गरमाई, चर्चाएं भी हुई, हमने वो दृश्य भी देखे, ईश्वर से दुआ करेंगे कि कभी वो हालात दोबारा ना दिखावे। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही कहा कि $400 अरब हमारा निर्यात हुआ है, तो ये मुझे लगता है कि एक नया लोगों ने इसमें इनोवेशन भी किया, इनोवेटिव बने कि हम करें क्या। मैं बहुत सारी स्टोरीज देख रहा था, महिलाओं ने अपने स्तर पर, किसी ने कुकिंग, किसी ने क्या, किसी ने ऑनलाइन अपना बिजनेस शुरू किया, किसी ने ब्यूटी टिप्स दिए, लेकिन एक नए तरीका का एक माहौल बना। और मैं कहूंगा कि एक पॉजिटिव सोच के साथ में कि हिंदुस्तान में एक ताकत का एहसास हुआ कि हम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं, कैसे खड़े हो सकते हैं, वो आज का हिंदुस्तान साफ दिखाई देता है, चेहरों पे जो मुस्कान दिखाई देती है। आज हम सब लोग जो जुड़े हुए हैं, कोची हमसे कोसों दूर हैं, दीपिका लालवानी जी फिटनेस कोच हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ये सब लॉकडाउन के दरमियानी, हम यश गोयल साहब से घर से बैठ के चर्चा कर रहे हैं, अरुण अग्रवाल साहब से बात कर रहे हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब से बात कर रहे हैं, तो एक हम दुनिया को बिल्कुल नजदीक भी लेकर के आगे, वो जरिया भी एक लॉकडाउन का रहा। मैं इसे अप्रिशिएट नहीं करूंगा कि लॉकडाउन तो साल में 10 बार, एक बार 2-3 महीने के लिए वैसे ही लग जाना चाहिए ताकि लोग नए इनोवेशन करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। यश गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, सफर काफी कुछ रहा और 2 साल बाद हमें याद इस बात को लेकर के आई है कि जब 1 साल पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तब भी एक कोरोना का डर था, लेकिन लोगों के चेहरे से मास्क हटे हैं, लोग खुल के बात कर पा रहे हैं। उसके बाद हमने समझा कि एक बार चर्चा करनी चाहिए कि ये 2 साल का जो सफर रहा, मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखा भी गया इससे,
तो सर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है इसका? योगेंद्र जी आप बहुत ही कंक्लूसिव डिबेट पे हैं और जो बहुत जरूरी है कि दो साल में हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। खोने के हिसाब से तो हमने जो अपने परिजन थे, परिचित थे, दोस्त यार थे, उनको खोया है। हर परिवार में किसी ने नजदीक में, दूर में किसी ना किसी को खोया है और उनकी याद बनी हुई है, वो सबसे बड़ा लॉस है। और कोई लॉस नहीं है जो मैं समझता हूँ, जो ह्यूमन लॉस हुआ है, ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ है। हमारे यहाँ इंडिया में भी करीबन 5 लाख से ऊपर लोग की डेथ हुई है और करीबन 43 लाख लोग बीमार कोरोना से हुए थे तीनों फेज में मिला करके। और राजस्थान में ये फेज था अपने यहाँ भी बहुत कंट्रोल रहा, 1.1% या अप टू 1% हमारे यहाँ डेथ रेट थी। हमारे यहाँ राजस्थान में कल तक 9,551 लोगों की डेथ हुई और जो मरीज हुए वो करीबन 12,82,745 थे। ये तो सारी चीजें आंकड़े हैं। जो सबसे बड़ी सीखने की चीज हमें मिली है दो साल में कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखनी चाहिए, खास तौर से जब हम पब्लिक में जाते हैं। मतलब कुछ जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ जॉस्लिंग की जाए, धक्का मुक्की की जाए, आराम से भी वो काम हो सकते हैं, लाइन में लग करके भी हो सकते हैं, डिस्टेंस रख करके भी वो कार्य संपादित हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसके पास जा रहे हैं उसके ऊपर सारे के सारे ग्रुप में उसके ऊपर पड़ जाए, हमने वो सीखा है। अभी कल ही जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने डिसाइड किया है कि 31 मार्च से जो पैंडेमिक लगा हुआ था उसको रिलैक्स किया जाए, पर उसमें दो चीज जरूर रखी जाए, एक तो दूरी और दूसरा मास्क, जहां जहां जरूरत है अपने हिसाब से। तो ये चीज है, हमने बहुत कुछ सीखा है। और जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। बिल्कुल, सेकेंड वेव में जो हमने ऑक्सीजन की कमी देखी, दवाइयों की कमी देखी, बेड्स की कमी देखी, वो थर्ड वेव आते आते हम इतने रिच हो गए कि थर्ड वेव का हमें पता ही नहीं चला। और वो इतनी आक्रामक भी नहीं थी ओमिक्रॉन जो हम लोगों को परेशान करती, उसमें भी लाखों हजारों लोग हुए हैं बीमार, पर वो ठीक भी हो गए। जो डेथ रेट थी वो मिनिमल थी, वो इतनी प्रोजेक्ट भी नहीं हुई, और वो जो डेथ हुई वो कोमॉर्बिडिटी के कारण हुई। तो आपका जो सवाल है सबसे बड़ा, इससे हमने क्या सीखा, हमने बहुत कुछ सीखा। हमने व्यवहार सीखा और हमने जो है एक दूसरे की मानवीय दृष्टिकोण से भावनाएं हमारे में हुई कि ये बीमारी भी जो है एक पेंडेमिक का रूप लेकर के लाखों लोगों को जान ले सकती है। और इसमें हमने जो सबसे बड़ा चीजें, जो 5 चीजें सीखी हमने कि कोई भी चीज हो उसमें आप टेस्ट करिए, उसको ट्रैक करिए, उसको ट्रीट करिए, तीसरा वैक्सीनेशन करिए, चौथा जो है हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हर डिजीज के लिए करना है, क्योंकि वायरस किसी का सगा नहीं है, बैक्टीरिया किसी का सगा नहीं है। कुल मिलाकर के हमने बहुत सारी चीज सीखी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब इसमें कोई संदेह नहीं है, बड़ी बातें हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि कोरोना के दरमियान इमोशंस के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात ये निकल के आई कि अपने अपने होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टोरीज जन टीवी के रिपोर्टर्स को मैं थैंक्स दूंगा कि उस दौरान अपनी जान पे खेल के भी लोगों से मिले, जाकर के बातें की। कहा जाता है कि 10-10, 15-15 साल से जो बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर जाकर के बस गए थे, रोजी रोटी के लिए जा नहीं रहे थे, कभी कह रहे थे कि चले मेरा परिवार यही, लेकिन वो परिवार जो संयुक्त परिवार की एक डेफिनेशन हम लोग सुना करते थे या कुछ जगह देखते भी हैं, मैं भी संयुक्त परिवार में ही रहता हूं, ऐसी चीजें बहुत देखने को मिली। उनको लगा कि एक गांव पलायन जो हो रहा था उसे रोकने के, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट्स को भी अब इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हम अवसर जो देते हैं वो अर्बन में देते हैं, हमें रूरल बेल्ट को भी फोकस करना होगा कि वहां रोजगार दे सके। मैं अरुण जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। अरुण जी, व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ लेकिन मुझे लगता है कि व्यापारी खड़ा भी हो गया वापस। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आंकड़े गिना रहे हैं कि 400 करोड़ का निर्यात हमने, 400 अरब डॉलर का अगर निर्यात किया है, तो उसकी वजह व्यापार है, वो इनोवेटिव लोगों का वो कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से आज हम ये आंकड़े जारी कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से चर्चा होती होगी, कैसा ये सफर रहा आप लोगों का? बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं जन टीवी का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, वो हमेशा ऐसे मुद्दे जो सामाजिक सरोकार से ताल्लुक रखते हैं, जो जनता के हितों की बात करते हैं, मैं इसके लिए जन टीवी का और जन टीवी ग्रुप का धन्यवाद दूंगा। आपने सही फरमाया, कोरोना जो 2 साल का पिछला पीरियड गया था वो व्यापार उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हमारी इंडस्ट्रियां बंद हुई, हमारे बाजार बंद हुए, लॉकडाउन हुआ, लोगों के धंधे चौपट हो गए, लेबर का पलायन हो गया। लेकिन इसमें हमको एक सुअवसर मिला, हमको इनोवेटिव करने का मौका मिला,
हमको ऑनलाइन बिजनेस करने का बढ़ा, हमारा दायरा बढ़ा, हम ऑनलाइन आज कॉन्फ्रेंस करते हैं पूरे ऑल इंडिया से, हमारे कस्टमर से, डीलर से। ये एक नई चीज हमको व्यापारियों को सीखने को मिली इस कोरोना काल और इस लॉकडाउन में, ये एक नई चीज सीखने को मिली, जिससे क्या पहले को हर चीज के लिए आदमी को भेजना पड़ता था, सेल्समैन को भेजना पड़ता था, एग्जीक्यूटिव को भेजना पड़ता था, अब वो ऑनलाइन का जमाना होने से ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो देन हुई है ये निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और ये हमेशा चलेगी। आज भी देखिए अपने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वर्चुअल पे जुड़े हुए हैं, आने की जरूरत नहीं है स्टूडियो में, इतनी दूर गाड़ी पार्किंग करना, ये करना, ये तो ये कोरोना की देन है। दूसरा, इनोवेशन बहुत ज्यादा हुआ है। हम जब यहाँ फ्री बैठे और घरों में बैठे तो हमने सोचा कि अब ये मेंटेलिटी तो बहुत ज्यादा एकदम हम परेशान हो गए, तो हम बोले क्या करें, कल क्या होगा, व्यापार हमारा चला जाएगा, लेबर हमारी भाग गई, अब क्या होगा। लेकिन हमने इनोवेशन किया, हमने पूरे वर्ल्ड को स्टडी किया। उसी दौरान सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने एक सर्वे किया, पूरे यूएसए की मैगजीन है, कि कोरोना काल में ही उन्होंने कहा सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने कि इंडिया को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पांचवा स्थान दिया पूरे वर्ल्ड में, और उसमें भी सबसे बड़ी खुशी की बात है राजस्थान को इंडिया में पहला स्थान मिला। तो ये राजस्थान के राजस्थान सरकार के जो कोरोना मैनेजमेंट है, जिसको पूरा राजस्थान मॉडल को पूरे इंडिया तो सराहा गया, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी भी काफी बार बोल चुके हैं और पूरे वर्ल्ड में राजस्थान मॉडल को इसको सराहना की गई, तो निश्चित रूप से। दूसरी बात, इसमें नुकसान ये हुआ कि बच्चे हमारे जो है जो स्कूल नहीं जा पाए दो साल से, उनका मेंटल इतना प्रेशर हो गया, वो उससे निकल के खेल कूद और उसमें ज्यादा लग गए। तो एक रूटीन था उनका कि सवेरे उठना है, बैग कर लेना है, टिफिन लेना है, स्कूल में उसको पटरी पे लाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा इसको। अब अभी तक वो बच्चे अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाए, क्योंकि अभी बच्चों को लगता है ये कहां जेल जा रहे हैं हम रोज, अब कहां हो गया, आराम से सोते थे और ठीक है ऑनलाइन उनकी स्टडी चली है, लेकिन ऑनलाइन में कभी वो प्रेजेंट होते थे, आप रोज व्हाट्सएप पे सब देखती है मैडम ज्यादा अच्छी तरह बता पाएगी, तो ऐसे में तो ठीक है जो भी हुआ। लेकिन अब वापस, लेकिन मैं एक बात और अभी बता देना चाहूंगा, पहले डेल्टा आया, फिर ओमिक्रोन आया, और अभी डेल्टा क्रोन नया वेरिएंट आ चुका है चाइना में, कोरिया में, वियतनाम में, ताइवान में और यूके में। 1,00,000 से ज्यादा पेशेंट रोज आ रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के मार्फत सबको ये अलर्ट करना चाहूंगा, जो अभी गोयल साहब बोल रहे थे कि अभी अपने को मास्क नहीं छोड़ना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करना है, क्योंकि अपने सबसे बड़ा फायदा यहाँ तीसरी जो लहर आई उसका इफेक्ट इसीलिए नहीं हुआ, कितना वास्ट स्केल पर वैक्सीनेशन हुआ। आज लोगों को 2 डोज बहुत ज्यादा करोड़ों को लग चुकी है और तीसरे बूस्टर डोज भी लोग लगा चुके हैं। जी दीपिका जी, आपके पास आना चाहूंगा। दीपिका जी फिटनेस कोच हैं और इसी दरमियान हमारे साथ इनकी मुलाकात भी हुई है। दीपिका जी, हेल्थ एक बड़ा इशू था, आप लोगों ने भी उस वक्त कहा कि देखिए एक्सरसाइज नहीं छोड़नी चाहिए, थोड़ा सा सनरेज को भी आप लोग करिए कि एक्चुअली जो बैक्टीरियाज हैं वो तो कम से कम उससे खत्म होते ही हैं, बहुत एक्सरसाइज टिप्स भी आपने उस वक्त दिए। ये जो टाइम रहा, क्योंकि आपके रेगुलर कई क्लाइंट्स भी हैं जो आपसे फिजिकली वो ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन ये सब कुछ कैसे सेट किया, लोगों की दिनचर्या पे प्रभाव पड़ा उसका, अभी लगता है कि वापस अपनी बॉडी शेप में लाने के लिए या फिर हेल्थ मेंटेन करने में एक परेशानी आ रही हो, या फिर इस दौरान कुछ सीखा हो कि नहीं, वापस से लोगों ने कुछ समय रहा लेकिन मेंटेन किया, कैसा रहा ये सब? अच्छा रहा, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स मेरे सिटीज के चले गए। दीपिका जी, आप वॉल्यूम बढ़ाइए या तो कम हो गई आप? आपकी आवाज कम आ रही है दीपिका जी। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं वापस से आऊंगा आपके पास में। मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं एक बार उनके पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, बहुत सारे स्टोरीज भी किए हैं, बहुत सारी चीजों को भी हमने देखा, लोगों को देखा भी, हेल्प भी करिए, और मुझे लगता है कि मैं दो चीजें देख पाया उस दौरान। एक तो ये देखा कि मैंने हिंदुस्तान के लिए, पता नहीं दुनिया में क्या बातें होंगी, लेकिन आंखों से देखी हुई बात है कि हमारे यहाँ हेल्पिंग नेचर कूट कूट के भरा हुआ है, और मुझे लगता है कि भारत के संस्कार में है। सरकारें हैं अपने स्तर पर काम करती हैं, लेकिन जिस रास्ते से जहां से जो रेला जा रहा था, ये काफिला जा रहा था, लोगों ने आगे बढ़कर के हेल्प की। जिसके पास कपड़े नहीं थे उन्हें कपड़े दिए, किसी के पास खाना नहीं था खाना देने की कोशिश की, उन भामाशाहों को भी मैं सैल्यूट करना चाहूंगा।
और भगवान उनके मन को ऐसे रखे, तो एक बहुत बड़ी बात निकल कर के आई कि हमारे यहाँ पे लोग आगे बढ़ करके किसी का हेल्प कर सके, एक परिवार के सदस्य की तरह। ये मैंने बहुत देखा है लोगों को आगे बढ़ करके, लोगों ने खाने की बात हो चाहे कपड़े देने की बात हो। एक बड़ी बात देखिए कि लोग ईमानदारी किस तरह की है। जयपुर के पास एक बस्सी गांव, वहां से एक व्यक्ति ने साइकिल चुराई। जिस जगह से साइकिल चुराई वहां पे एक कागज लिख करके देखे गया कि मेरे साथ मेरी छोटी बेटी है और वो पैदल चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं ये साइकिल चुरा के ले जा रहा हूं, कभी वक्त होगा और मेरे पास पैसे होंगे तो वापस दे जाऊंगा। तो ऐसी चीजें भी हम लोगों ने देखी है। योगेंद्र जी, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोरोना काल का पहला लॉकडाउन, क्योंकि इस देश को पता ही नहीं था इस बीमारी का इलाज क्या है और जिस प्रकार का भय का वातावरण हो गया था, और प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च 2020 को एकदम लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करने के बाद जो देश की स्थिति बनी वो आप और हमसे छिपी नहीं है। उन मजदूरों का क्या हुआ जो मजदूर ये सोचता था कि मैं रोज कमाऊंगा और खाऊंगा, उसको सोचने विचारने आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। ये बात भी सही है कि हमने इस लॉकडाउन के तहत कुछ सीखा भी और सीखने के बाद अपने आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी की, क्योंकि हमारे पास पीपीपी किट नहीं था, मास्क बनाने की स्थिति नहीं थी। आज हम उस स्थिति में पहुंच गए कि हम उसका निर्यात कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि भारत ने इस लॉकडाउन में खोया भी बहुत और उसके साथ साथ पाने की कोशिश भी की गई। आज देखिएगा कि मैं देख रहा था कि लोगों की आय घटी, हम देखिएगा लघु और सूक्ष्म उद्योग तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, उनकी स्थिति तो आज भी सुधरने की स्थिति नहीं बन पा रही है। सरकार ने भले ही कितने ही पैकेज घोषित कर दिए हो, और जो आप कह रहे हैं कि हमारा निर्यात बढ़ा, हाँ निर्यात क्योंकि बढ़ा, जो स्थितियां बनी उसके बाद हमने उत्पादित कई अच्छी चीजें की उसको निर्यात बढ़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। आप देखिएगा कि जो बच्चे 2 स्कूल नहीं गए उनकी जिंदगी किस तरह की हो गई, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा पर जो कुप्रभाव पड़ा, वहां तो ऑनलाइन कुछ था ही नहीं, वहां आज भी हम उस स्थिति में नहीं है कि उन बच्चों को हम क्या दे पाए क्या नहीं दे पाए, उनको हम आज भी एनालिसिस नहीं कर पा रहे। शहरी क्षेत्र में हमने भले ही ऑनलाइन कुछ पढ़ा लिया हो कुछ कर लिया हो, लेकिन आज भी दर्द वो भी है कि उनकी स्थिति आज भी, मजदूरों की स्थिति क्या हुई। हमने पंजीयन की बात कही थी, क्या हिंदुस्तान में उनका पंजीयन अब तक हो पाया क्या, वापस किस तरह के देखिए आ गए थे, अब वो आत्महत्याएं कितनी हुई, बेरोजगारी कितनी बढ़ी, एक बहुत बड़ा शोचनीय विषय तो हमारे सामने आज भी देश के सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि हम उस वक्त ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि इस बीमारी के कारण कैसे बीमारी समाप्त होगी और कैसे बीमारी को रोका जाएगा। श्याम जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त चुनौती यही थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो शब्दों को मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा जब उन्होंने देश को संबोधित कर रहे थे, कहा था कि जान है तो जहान है, और उसके बाद कहा कि देश में 24 मार्च से लॉकडाउन, और निश्चित रूप से हर व्यक्ति यही था कि हम आम कहावत भी है कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो सब कुछ वापस भी हो जाएगा, पहले जान जरूरी है। तो मुझे लगता है कि सबने एक उसी तरह से फोकस किया कि पहले जान बचानी है अपनी, अपनों की और मिलने वालों की, जो लोग नजदीक आ रहे हैं उन लोगों की। और अभी भी वो जैसे डॉक्टर यश गोयल साहब ने कहा कि आप लोगों को अभी भी मास्क और डिस्टेंस पे फोकस करना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, कहा कि एक संचय की प्रवृत्ति, पहले हम सोचते थे कि कुछ नहीं यार कल किसने देखा है, कल देखा है लोगों ने, और उसकी चिंता हमें होनी चाहिए। ये बहुत सारे लोगों के मैं मुख से सुनता हूं कि चाहे हम 50 रुपए ही कमाते हैं या 500 रुपए कमाते हैं, हमें कुछ संचय करने की आदत डालनी चाहिए, हमें रोजगार के रूप में देखना चाहिए। और सरकारों को भी मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन से एक नसीहत लेनी चाहिए कि अर्बन ही नहीं, जहां पलायन करके लोग जाते हैं रोजी रोटी के लिए, गांव में भी बहुत कुछ है। गांव में भी वो तमाम चीजें, केवल राशन देने से मतलब नहीं है, वहां ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए ताकि लोग पलायन ना कर सके, और ऐसे हालत नहीं और क्राउडेड जो होते हैं वहां एक परेशानी होती है। चलिए मैं दीपिका जी के पास जाना चाहूंगा। दीपिका जी आप मेरे को सुन पा रही हैं? मैं सुन पा रही हूं आपको, आप मुझे सुन जी पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। तो ये जो सफर रहा, क्योंकि हेल्थ हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होती है, आप लोग एक फिटनेस कोच भी हैं, ये जो सफर रहा कैसा क्या मैनेज किया आपने, कैसे किया ये सब? जो डिजिटल इंडिया की बात करते थे हम कई सालों से, मुझे लगता है कि अब सच में इंडिया डिजिटल हो गया। मैं मानती हूँ बहुत सारी चीजें मिस हुई होंगी लोगों की, लेकिन मेरे लिए इसमें एक अच्छा ये हुआ कि जो मेरे क्लाइंट्स पीछे छूट गए थे, क्योंकि मैं पहले गुड़गांव से मैंने शुरू किया फिटनेस कोचिंग, फिर मैं मुंबई में रही, फिर अब मैं कोची में हूँ, तो वो जितने भी लोग थे वो सब वापस मेरे साथ जुड़े, और ये पूरा
किस लिए हुआ, क्योंकि हमारे पास टूल्स अवेलेबल थे, हमारे पास जूम था, हमारे पास स्काइप था, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम था, गूगल मीट था, तमाम चीजें आ गई हमारे पास। और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग घर के जो कंप्यूटर से मोबाइल फोन से दूर भागते थे, कहते थे हमें ये चीजें समझ नहीं आती, उन्होंने भी मेरे खुद के घर में मैं देखती हूँ वो लोग अब कितना फेमिलियराइज हो गए इन चीजों के साथ, वो भी जूम कॉल कर पाते हैं, उनकी भी मीटिंग जूम पे होती है। तो मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत ही बड़ा स्टेप हुआ। और जैसे हम सुनते हैं कि आगे आने वाले समय में वायरसेस का खतरा बढ़ेगा ही, क्योंकि जिस तरीके से चीजें जा रही हैं, आगे आने वाले समय में ऐसे पैंडेमिक्स आने के चांसेस और ज्यादा हैं। तो अगर हम पहले से ही तैयार रहे मेंटली, हमें पता है कि हमारे पास टूल्स हैं, ठीक है मैं मानती हूँ, जैसे आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा पढ़ाई का लॉस हुआ बच्चों का, लेकिन अगर हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रखें, और बहुत सारे ग्रामीण एरियाज में, क्योंकि मैं कुछ एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो हम लोग उन लोग के लिए कंट्रीब्यूट करके, और हमने कई बच्चों को टैब्स और मोबाइल फोन पहुंचाए हैं उन एरियाज में जो जहां पर ये चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो ये एक चीज है जो बहुत खुल के सामने आई, क्योंकि लोगों का जो जज्बा था किसी को इस समय में हेल्प करने का, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज थी कोविड के टाइम पे। और दूसरा मुझे ये लगा कि जो बच्चे सुबह निकल जाते थे स्कूल के लिए और शाम को घर आते थे और माँ बाप देर से आते थे, हार्डली कुछ उनके बीच में इंटरेक्शन हो पाता था, मेरे ख्याल से बच्चों और पेरेंट्स का रिलेशन बहुत इम्प्रूव हुआ। और ये 2 साल में अगर आप देखें ना, बच्चों का ग्रोथ स्पर्ट कितना अमेजिंग हुआ है, क्योंकि वो घर पे रहे हैं, उन्होंने अच्छे मील्स खाए हैं, क्योंकि स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो टिफिन तो आधे टाइम वापस आता है, मुझे पता है मेरा 12 साल का बेटा है, अब फिर स्कूल खुल गया फिर उसका खान पान वही हो गया है कि टिफिन में आधा खाया आधा छोड़ा। ये 2 साल में इन सभी बच्चों का बहुत बढ़िया ग्रोथ स्पर्ट हुआ है, क्योंकि घर पे रह के अच्छे से इन्होंने खाया, और हम पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही हो गए कि नहीं अब तो हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, फ्रूट खाओ, दूध पियो, प्रोटीन लो, ऐसा करो ऐसा करो। तो मैं मानती हूँ कि कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, और अगर हम हर एक परेशानी में से कुछ सीख लेके बाहर निकले तो आगे आने वाले समय में हम सभी के लिए वो अच्छा होगा। अगर इसको हम नेगेटिव, कम्प्लीटली नेगेटिव तरीके से ना देखें, बिल्कुल, और जैसे भी डॉक्टर साहब यस गोयल साहब कह रहे हैं कि 31 मार्च के बाद में और परिस्थितियां बदल जाएंगी, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सावधानी जरूरी है, क्योंकि सावधानी हमेशा ही, बात पैंडेमिक की नहीं है, अगर असावधान रहेंगे तो उसका खामियाजा आपको उठाना भी पड़ सकता है। लेकिन बहुत कुछ सीखा है हमने, बच्चों के लिए जरूर एक प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक स्कूल नहीं गए हैं, वापस उन्हें पटरी पे लाने के लिए मोबाइल उनके हाथ का एक ऐसा हथियार बन गया है उसे छुड़ाने के लिए, लेकिन चलिए वो एक पेरेंट्स की एक डबल लाइबिलिटी या जिम्मेदारी बढ़ गई है कि जिसे थोड़ा सा ज्यादा गौर करने की आवश्यकता होगी, लेकिन निश्चित रूप से हिंदुस्तान में वो ताकत किसी परिस्थिति जी 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 मैं ये मानती हूँ कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होगा चीजों का, वैसे वैसे आगे आने वाले समय में सारे काम कंप्यूटर पर ही किए जाएंगे। तो ये हमारा सिर्फ एक नजरिया है कि बच्चा बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज कर रहा है, ये नजरिया बिल्कुल ठीक भी नहीं है, क्योंकि अभी भी देखिए ना, हम स्क्रीन पर ही तो कम्युनिकेट कर रहे हैं बिल्कुल, और तो हम उसको